Assalamu alaikum class, I hope everyone is fine and doing well by the grace of Almighty Allah. Today the topic which we are going to study is the design of the tax system. We are going to study what is tax system and how we design tax system, what are the principles which we need to follow and what are the types of the tax system or tax structures. First, we need to understand what is the aim of the tax system. Tax system ka maksad kya hai? Ya taxation ka maksad kya hai? Tax system ka ya taxation ka maksad ye hai ki revenue, paisa jo hai wo gather kiya jaye, jama kiya jaye, किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू. और किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो सारा मुल्क चलाने के लिए खर्चे जो है वो कर सके. सो ये तो हो गया टैक्स सिस्टम का एम. अब बात हम ये कर रहे हैं द डिज़ाइन ऑफ अ टैक्स सिस्टम. सो जब हम एक टैक्स सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो स्ट्रेटजी मेकर्स जो होते हैं या जो टैक्स सिस्टम बना रहे होते हैं, उनके जहन में टू इंटेंशंस होती हैं या उनके दो मकासिद होते हैं. वो दो मेजर मकासिद या मेन मकासिद पर्पसेस कौन कौन से हैं? वो है एफिशिएंसी एंड इक्विटी. एफिशिएंसी एंड इक्विटी को हमने जहन में रख के टैक्स सिस्टम जो है या टैक्स जो है डिज़ाइन, उसको क्या करना होता है? डिवेलप करना होता है किसी भी कंट्री में. So these are the two main intentions or two main things we need to keep in our mind. What are these two? Efficiency and equity. So we will study step by step or one by one efficiency and equity of taxation, and then the cost of the taxes which taxpayers have to bear. सो यहाँ तक हमें समझ आ गई कि टैक्सेस जो हैं वो पूरी दुनिया में हर मुल्क में क्यों लगाए जाते हैं. इसका प्राइमरी मकसद ये है कि गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जो है वो रेज किया जाए, इकट्ठा किया जाए, ताकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनको मीट किया जा सके. ऑल्दो दे सर्व्स अदर पर्पसेस एज वेल, ये दूसरे मकासद के लिए भी यूज़ होते हैं, लेकिन मेजर जो है वो क्या है? मेनली क्यों किया जाता है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए इसको टैक्स को जो है वो टैक्स रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया जाता है या टैक्स को जो है वो इम्पोज किया जाता है. सो टैक्स सिस्टम इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन विच यू लेविड और यू इम्पोज टैक्सेस ऑन द इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री. सो आगे बढ़ते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द डिज़ाइन ऑफ अ टैक्स सिस्टम. सो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये समझना है कि गवर्नमेंट को अपने डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट काम करने के लिए या डिफरेंट मकासद जो हैं, डिफरेंट पर्पसेस जो हैं उनको मीट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा करना पड़ता है, रेवेन्यू रेज करना पड़ता है. और रेवेन्यू रेज किस तरह से होता है? विद द हेल्प ऑफ टैक्सेशन. और टैक्सेशन किस तरह से काम करती है? विद द टैक्स सिस्टम. और टैक्स सिस्टम का एक डिज़ाइन होता है जिसको फर्दर हम लोग पढ़ेंगे. सो टू परफॉर्म इट्स मैनी फंक्शंस द गवर्नमेंट रेजेज रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन. अब अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में फेडरल रेवेन्यू जो है वो बेसिकली किन टैक्सेस के थ्रू गैदर किया जाता है? पर्सनल इनकम टैक्सेस, ठीक है. इसके अलावा सोशल इंश्योरेंस, पेरोल टैक्सेस. अब सोशल इंश्योरेंस कुछ लोग जो है वो अवेल करते हैं, कुछ कंपनीज जो है वो प्रोवाइड करती हैं, लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है. उसके लिए भी जो है सोशल इंश्योरेंस टैक्स जो है वो एम्प्लॉय से लिया जाता है, उनकी पे के अंदर एक स्पेसिफिक डिडक्शन की जाती है, ठीक है. कुछ अलाउंस जो होता है उनको दिया जाता है, इसके अलावा कुछ डिडक्शंस भी की जाती हैं डिफरेंट नेम्स के थ्रू. तो वो डिडक्शंस जो हैं वो गवर्नमेंट यूज़ करती है, उससे अपना रेवेन्यू जो है वो गैदर करती है, रेज करती है. एंड कॉरपोरेट इनकम टैक्स, और कॉरपोरेट इनकम टैक्स जो कंपनीज वगैरह पे, कॉरपोरेशंस पे लगता है, वहाँ से भी ये क्या सारी क्या हैं? सोर्सेज हैं टैक्सेशन की, वहाँ से भी टैक्स जनरेट होता है. तो ये क्या है? सोर्सेज हैं टैक्सेशन की. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है स्टेट एंड लोकल टैक्सेज आर द सेल्स टैक्सेज एंड द प्रॉपर्टी टैक्स. जो प्रॉपर्टी की सेल और परचेज पर टैक्स लिया जाता है, और जो सेल्स टैक्स लिया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज जब सेल एंड परचेज करते हैं तो उस पर जो टैक्स पे किया जाता है, ये मेन जो है वो
टैक्सेस हैं या सोर्सेज ऑफ टैक्स हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू रेज करती है, ठीक है। और अभी तक हमने टैक्सेशन के बारे में पहले आने वाले चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि टैक्स ऑन गुड रिड्यूसेस मार्केट क्वांटिटी ऑफ दैट गुड। जब भी किसी गुड पे टैक्स लगता है तो उससे क्या होता है, मार्केट क्वांटिटी ऑफ दैट गुड वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि लोग कम खरीदना शुरू कर देते हैं। जब कम खरीदना शुरू कर देते हैं तो उसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। सो अ बर्डन ऑफ बायर एंड सेलर दोनों शेयर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई इन शॉर्ट, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि टैक्स जो है वो क्या कॉज करता है, डेड वेट लॉस, इसकी वजह से डेड वेट लॉस होता है। डेड वेट लॉस क्या था, जो कमी आती है हमारी टोटल सरप्लस के अंदर टैक्स की वजह से, उसको हम लोग क्या कहते थे, डेड वेट लॉस। ये चीज़ें हमने अब से पहले आने वाले चैप्टर्स में पढ़ी हैं। अब हम पढ़ेंगे बजट सरप्लस क्या होता है और बजट डेफिसिट क्या होता है। इसके अलावा वो चीज़ें जो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, वो सारी चीज़ें लाइक टैक्स स्ट्रक्चर्स, टैक्स प्रिंसिपल्स, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर जो है टाइप्स ऑफ टैक्स वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें ये समझना होगा, हमने पहले भी इससे पढ़ा है और इसके अलावा दोबारा हमें एक दफ़ा ओवरव्यू लेना होगा कि बजट डेफिसिट क्या होता है और बजट सरप्लस क्या होता है। बजट डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो, यानी कि गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हों और गवर्नमेंट का पैसा इनकम कम हो तो बजट डेफिसिट हो जाता है, यानी कि बजट की कमी वाक़या हो जाती है। और जब हमारे पास बजट सरप्लस होता है तो इसका क्या मतलब है कि बजट रेवेन्यू जो है, या टैक्स रेवेन्यू, सॉरी, जो टैक्स रेवेन्यू है वो हमारे पास ज़्यादा है और गवर्नमेंट के खर्चे कम हैं, खर्चे करके हमारे पास पैसा बच रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बजट सरप्लस। किसको, जो कि अमाउंट बच जाएगी खर्चे करके उसको हम लोग क्या कहेंगे, बजट सरप्लस। सो बजट डेफिसिट इज एन एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग ओवर गवर्नमेंट रेवेन्यू और टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू के ऊपर जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी, मीन उससे ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसको हम बजट डेफिसिट कहेंगे, बजट की कमी, पैसे की कमी। और बजट सरप्लस क्या होता है, इन एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू ओवर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का रेवेन्यू या इनकम ज़्यादा है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग की निस्बत। ये तो बात होगी हमारे पास बजट सरप्लस की और बजट डेफिसिट की। अब हमने बात करनी है टैक्सेशन की बात, जैसे कि अब हम इस चैप्टर में कर रहे हैं, और उसमें हमने बात की कि टैक्सेशन का डिज़ाइन जब हम कर रहे होते हैं या जब हम टैक्स सिस्टम को डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर दो चीजों को हमने ज़हन में रखना होता है, एक एफिशिएंसी और दूसरी इक्विटी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेस एंड एफिशिएंसी और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। किसी भी सिस्टम का एफिशिएंट होने का मतलब ये होता है कि उसके रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए और उससे मैक्सिमम फायदा उठाया जाए, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना एफिशिएंसी कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब हमें समझ आ गई कि एफिशिएंसी क्या होती है। अब टैक्सेस और एफिशिएंसी का आपस में क्या लेना देना है इसको समझते हैं। अब टैक्स सिस्टम को एफिशिएंट कब समझा जाता है, जब जो कॉस्ट होती है, जो बियर करना पड़ती है टैक्स पेयर्स को, जब जिसके ऊपर टैक्स लगता है उनको जो एक कॉस्ट बियर करनी पड़ती है इस टैक्स की वजह से। एक तो कॉस्ट ये होगी कि उनको डेड वेट लॉस बियर करना पड़ता है, ठीक है, डेड वेट लॉस। इसके अलावा उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ बर्डन बियर करना पड़ता है, और ये डेड वेट लॉस क्या होता है ये हम पहले समझ चुके हुए हैं, हमें पता है, ठीक है। टोटल सरप्लस में कमी टैक्सेशन की वजह से जो होती है उसको हम लोग कहते हैं डेड वेट लॉस। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे पास बर्डन है उसको हम क्या कहेंगे, इसको आगे चल के समझते हैं। सबसे पहले हमने ये समझना है कि एफिशिएंट टैक्स सिस्टम कब होता है, जब कॉस्ट जो टैक्स पेयर्स पे कम पड़ती है, जब जिस सिस्टम में, उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं कि एफिशिएंट है, इसमें एफिशिएंसी है। अच्छा, तो हमने बात की कि वो वाला टैक्स सिस्टम एफिशिएंट होता है जिसके अंदर कॉस्ट जो है वो टैक्स पेयर्स को कम बियर करनी पड़े, कम पे करनी पड़े। अब कॉस्ट कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो डेड वेट लॉस, ठीक है, जो उनका खसारा होता है बायर्स का और सेलर का, किसकी वजह से, टैक्स की वजह से, वो वाला डेड वेट लॉस, ठीक है। और जो उनका टोटल बेनिफिट कम ही आती है, वो वाला डेड वेट लॉस, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आता है एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। अब जिसमें वो वाला टैक्स सिस्टम एफिशिएंट होगा जिसमें डेड वेट लॉसेस कम होंगे और कम एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन होगा, वो वाला टैक्स सिस्टम एफिशिएंट होगा। और जब भी एक टैक्स सिस्टम या टैक्स डिज़ाइन जो है वो बनाया जाता है, मुरतब किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, डिवेलप किया जाता है, तो इस चीज़ को जहन में रखा जाता है कि ये एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। एफिशिएंट होने का क्या मतलब है कि कॉस्ट जो पड़ती है टैक्स पेयर पे वो कम से कम हो। और वो कौन कौन सी कॉस्ट हैं, एक तो टैक्स पे करना है, सबसे पहली कॉस्ट तो ये है जो टैक्स पे करना पड़ रहा है,
दूसरी हमने बात की डेड वेट लॉस, और तीसरी हमने बात की एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। अब एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन क्या होता है ये आगे जाके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे अभी ये समझना है डेड वेट लॉस की कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो पड़ जाता है टैक्स पेयर्स के ऊपर। इन दो कॉस्ट की कम जिसमें होगी टैक्स डिज़ाइन में ज़्यादती कमी जिसमें होगी वो क्या होगा, एफिशिएंट टैक्स सिस्टम होगा। ठीक है, सो द एफिशिएंसी ऑफ अ टैक्स सिस्टम रेफर्स टू द कॉस्ट इट इम्पोजिज ऑन द टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर्स के ऊपर कॉस्ट इम्पोज करता है उससे हम लोग रेफर करते हैं इसकी एफिशिएंसी, मीन्स उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। There are two cost of tax beyond taxes beyond the transfer of resources from the taxpayer to the government. अब जो transfer of resources है from the taxpayer tax pay करने वाले से government की जानिब, उस cost के अलावा भी दो types की cost हैं जो कि taxpayer को बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इस line का क्या मतलब है, इस line का मतलब ये है कि एक तो tax pay करना पड़ता है itself taxpayer को। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझ पे हम पे अगर टैक्स लगा है तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा भी दो टाइप्स की कॉस्ट हैं जो हमें बियर करनी पड़ती हैं। एक तो ये एक डेड वेट लॉस जिसमें हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है वो भी हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है, और दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन वो होता है जब आप टैक्स लॉ को फॉलो करते हैं, टैक्स लॉज को कंप्लाई करते हैं, उनके साथ फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो उस फॉलो करने को, उसको अपनाने को, टैक्स सिस्टम को जो आपको खर्चा पड़ता है वो भी आपको बियर करना पड़ता है, और उस खर्चे को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या बर्डन कहते हैं। अभी आगे जाके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सो वन टैक्स सिस्टम इज़ मोर एफिशिएंट देन अदर। एक टैक्स सिस्टम दूसरे टैक्स सिस्टम से अच्छा तब होगा, एफिशिएंट तब होगा इफ इट रेजेज द सेम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एट द स्मॉलर कॉस्ट टू द टैक्स। लेकिन उस टैक्स सिस्टम में स्मॉलर कॉस्ट हो टैक्स पेयर्स को जो बियर करनी पड़े, मीन एक इनकम टैक्स की जनरेट करने के लिए स्पेसिफिक किस्म की, जो कि दोनों टैक्स सिस्टम में अगर वो जनरेट कर रहा है तो दो टैक्स सिस्टम में से, दोनों टैक्स सिस्टम में से एफिशिएंट कौन सा होगा, वो वाला टैक्स सिस्टम एफिशिएंट होगा जिसमें लोगों के ऊपर बर्डन कम होगा, मीन उनको कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन कम पे करनी पड़ रही होगी। फॉर एग्जांपल दो टैक्स सिस्टम है, एक टैक्स सिस्टम में गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज कर रही है ज़्यादा बर्डन, मीन कि उनको 50% प्रॉफिट में कमी आ रही है, और एक टैक्स सिस्टम है जिसमें उनके सिर्फ 30% जो है वो फॉर एग्जांपल प्रॉफिट में कमी आ रही है। तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, तो ऑफ कोर्स जिसमें 30% उनके प्रॉफिट में कमी आ रही है, मीन कि उनको कॉस्ट कम पड़ रही है, उनको कम कीमत बियर करनी पड़ रही है, या 50% की निस्बत 30% जो है वो उनको बियर करना पड़ रहा है कॉस्ट, तो इसमें क्या है, उनकी कॉस्ट कम है और बजाय 50% वाले में उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। सो 50% जिसमें कॉस्ट उनको पड़ रही है या प्रॉफिट उनका कम हो रहा है वो वाला टैक्स सिस्टम एफिशिएंट नहीं होगा। टैक्स सिस्टम वो वाला एफिशिएंट होगा जिसमें टैक्स पेयर्स को कॉस्ट कम से कम पड़ेगी। इन शॉर्ट कौन सा वाला टैक्स सिस्टम जो है वो एफिशिएंट होगा जिसमें टैक्स पेयर को कम से कम जो है वो कॉस्ट पड़ेगी या बियर करनी पड़ेगी। सो द कॉस्ट टू द टैक्स पेयर इंक्लूड्स, सो द कॉस्ट टू द टैक्स पेयर इंक्लूड्स अब कॉस्ट कौन कौन सी कीमत चुकानी पड़ती है टैक्स पेयर्स को जो टैक्स पे कर रहे होते हैं। एक तो टैक्स की अपनी अमाउंट, ठीक है, जो टैक्स लगा, द टैक्स पेमेंट इटसेल्फ। दूसरा हो जाएगा डेड वेट लॉसेस, एंड थर्ड वन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन उनके ऊपर आ रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो। एंड एफिशिएंट टैक्स सिस्टम इज द वन दैट इम्पोजेज स्मॉल डेड वेट लॉसेस एंड स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। सो टैक्स सिस्टम कौन से वाला एफिशिएंट होगा जिसमें कॉस्ट ऑफ टैक्सेस कम होगी, और कॉस्ट ऑफ टैक्सेस किसमें कम होगी, जिसमें स्मॉल डेड वेट लॉस होगा और स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन होगा, कम बर्डन होगा और कम लॉसेज होंगे, वो वाला जो टैक्स सिस्टम है वो क्या होगा, वो एफिशिएंट होगा। ठीक हो गया, ये तो हो गई टैक्सेस एंड एफिशिएंसी की बात। अब मजीद इसमें हमने बात ये करनी है डेड वेट लॉस की और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन की, जिसकी मैंने आपके बात की कि इसको हम लोग आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आएगा डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस क्या होता है, द फॉल इन टोटल सरप्लस या टोटल बेनिफिट ड्यू टू टैक्सेस इज नोन एज डेड वेट लॉस ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, डेड वेट लॉस जो टोटल बेनिफिट कौन सा होगा, कंज्यूमर बेनिफिट एंड प्रोड्यूसर बेनिफिट, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस का मिला के जो बनता है वो टोटल सरप्लस होता है, और इसको क्या कहते हैं, टोटल बेनिफिट। इसमें जो कमी आती है वो डेड वेट लॉसेस होते हैं। सो डेड वेट लॉसेस दैट रिजल्ट्स व्हेन टैक्सेस डिस्टॉर्ट द डिसीजंस दैट पीपल मेक। अब पीपल जो डिसीजन ले रहे होते हैं उसको ये डिस्टॉर्ट कर देता है, डिस्टॉर्ट मीन
अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है कौन से डिसीजन की ये चीज़ ख़रीदनी है नहीं ख़रीदनी। जब टैक्स लगता है तो कुछ बहुत से लोग कहते हैं यार ये नहीं ख़रीदनी क्योंकि ये बहुत महंगी हो गई है, एक्सपेंसिव हो गई है। सो टैक्स लगता है जब, तो टैक्स के लगने की वजह से डेड वेट लॉसेज होते हैं और टैक्सेस की वजह से पीपल के डिसीजंस जो होते हैं, उनके फैसले जो होते हैं, वो जो डिसीजंस कर रहे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। सो व्हेन द टैक्सेस इंड्यूसेस पीपल टू चेंज देयर बिहेवियर देन इट विल कॉज डेड वेट लॉस। और बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है, डिसीजन लोगों के किस तरह से चेंज होते हैं, वो जब ये देखते हैं कि चीज़ें महंगी हो रही हैं टैक्स की वजह से तो वो लेना कम कर देते हैं, ख़रीदना कम कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि उनके डिसीजन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा, व्हेन टैक्सेस इंड्यूस पीपल, इंड्यूस मीन उनको इंडोर्स करता है, उनको मजबूर करता है पीपल टू चेंज देयर बिहेवियर, दे डिसाइड टू बाय लेस ऑफ दैट कमोडिटी। चेंज देयर बिहेवियर का मतलब क्या है, वो सोच लेते हैं कि अब हमने इस कमोडिटी का या इस गुड को कम परचेज करना है। सो द टैक्स इज कॉज डेड वेट लॉसेज एंड मेक्स द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज लेस एफिशिएंट। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इसमें क्या हो जाती है, लेस एफिशिएंट, किसकी वजह से, डेड वेट लॉसेज की वजह से। सो ये तो बात हुई टैक्सेज एंड एफिशिएंसी में, डेड वेट लॉस की। अब हमने सेकेंड बात करनी है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की या एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। अब ये जो डेड वेट लॉस है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं, ये मिलके क्या करते हैं, टैक्स सिस्टम को इनएफिशिएंट कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, टैक्स सिस्टम में एफिशिएंसी, लेकिन इनके होने की वजह से टैक्स सिस्टम क्या हो जाता है, इनएफिशिएंट। सो टैक्स बर्डन जो होता है वो लीड करता है टूवर्ड्स इनएफिशिएंसी, ठीक है। और इनएफिशिएंसी किन की वजह से होती है, डेड वेट लॉसेस की वजह से और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स की वजह से, क्योंकि ये कॉस्ट हैं और ये वो वाले कॉस्ट हैं जो कि ये वो वाले खर्चे हैं जो कि टैक्स पेयर को बियर करने पड़ते हैं जब टैक्सेस लगते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन वो है जब टैक्सेस के लॉज को फॉलो करने के लिए जो खर्चा कोई भी पर्सन करता है, कोई भी इंडिविजुअल करता है, उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई लैंड लॉर्ड है जिसकी काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं, या कोई बिजनेस मैन है जिसके काफ़ी ज़्यादा बिजनेस है, ठीक है। अब वो बिजनेस ऑनर्स क्या करते हैं, एक लॉयर हायर करते हैं अपने इनकम टैक्स के गोशवारे या फॉर्म्स जो हैं वो फिल करवाने के लिए, या इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए, या टैक्स सिंपल टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए जो है, या गोशवारे या फॉर्म्स जो हैं वो सबमिट करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, लॉयर्स को हायर करते हैं। लॉयर जो हैं उनसे पेमेंट लेते हैं और उनका काम उनके बिहाफ पे कर देते हैं, इवन उनके फॉर्म्स भी फिल कर देते हैं, ठीक है। और उनकी स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ जो भी है वो उसको फिल शिल करके तो उनके जाके फॉर्म्स वहाँ पर रजिस्टर करवा देते हैं टैक्स जो डिपार्टमेंट है FBR में, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ कॉस्ट हैं जो कि टैक्स लगने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बन जाता है जो कि लोगों को बियर करना पड़ता है। इससे क्या हो रहा है, लॉयर भी हायर कर रहे हैं, लॉयर पे खर्चा भी हो रहा है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसकी वजह से वो हो रही है वो क्या है, टाइम वेस्ट, ठीक है। आपका टाइम जो है वो इस पे स्पेंड हो रहा है इन चीज़ों पे, तो इससे आपका टाइम यूटिलाइज इधर हो जाता है और आपके पास बाकी प्रोडक्टिव टाइम जो है वो कम जो है वो रह जाता है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन दैट टैक्स पेयर्स बियर एज दे कंप्लाई विद द टैक्स लॉज, जब वो कंप्लाई करते हैं टैक्स लॉज के साथ या टैक्स लॉज को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, उनको ओबे करते हैं, तो टैक्स पेयर्स को बियर करना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बर्डन। सो द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑफ एनी टैक्स सिस्टम इज द पार्ट ऑफ इनएफिशिएंसी इट क्रिएट्स, ठीक है, ये हमने बात की अभी। सो दिस बर्डन इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइम स्पेंड इन फिलिंग आउट टैक्स फॉर्म्स बट ऑल्सो द टाइम स्पेंड थ्रू आउट द ईयर कीपिंग द रिकॉर्ड्स फॉर द टैक्स पर्पसेस एंड द रिसोर्सेज गवर्नमेंट हैज टू यूज टू इन्फोर्स द टैक्स लॉज। अब वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो खर्चा होता है वो नहीं, उसके अलावा टाइम स्पेंड जो होता है वो नहीं, उसके अलावा जो आपका पूरे साल में टाइम ज़ाया होता है कि आपने वो रिकॉर्ड भी रखना होता है कि आपने टैक्स जो है वो कितना कब कब पे करवाया और वो फिर आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, वो सारा जो कुछ भी है फॉर्म्स फिल किए वो सारा रिकॉर्ड आपको रखना पड़ता है, तो उस रिकॉर्ड कीपिंग में भी आपका टाइम ज़ाया होता है फॉर टैक्स पर्पसेस, और वो रिसोर्सेज भी आपके ज़ाया होते हैं जो कि गवर्नमेंट यूज़ करती है टू इन्फोर्स द टैक्स लॉ, इन्फोर्स करने के लिए टैक्स लॉज को, इन्फोर्स मीन इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन अ सेंस इम्प्लीमेंट, ठीक है।
सो काफ़ी लोग जो हैं वो लॉयर्स और अकाउंटेंट्स जो है वो हायर करते हैं ताकि उनके फॉर्म्स वगैरह फिल हो जाएं, और फॉर्म इस तरह से फिल हों कि उनको टैक्स कम से कम देना पड़े। वो कुछ रद्दोबदल कर लेते हैं, कुछ बिजनेस इस तरह से शो करते हैं कि उनको टैक्स कम पड़े, कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं ठीक है जो कि आम लोगों को नहीं पता होता, उसके लिए भी एक लॉयर या अकाउंटेंट हायर करना पड़ता है ताकि वो उसके अकॉर्डिंगली उनके फॉर्म्स फिल करे और ये कोशिश करे कि उनको कम से कम टैक्स जो है वो पे करना पड़े। ठीक है बच्चों, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। मैनी टैक्स पेयर्स स्पेशली दोज इन द हायर टैक्स ब्रैकेट, हायर टैक्स ब्रैकेट मीन स्पेशली वो लोग जिनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ता है वो क्या करते हैं, वो हायर करते हैं टैक्स लॉयर्स एंड अकाउंटेंट्स टू हेल्प देम विद देयर टैक्सेस, ताकि उनको उनके टैक्सेस में मदद कर सकें। दीज एक्सपर्ट्स, ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं इन द कम्प्लेक्स टैक्स लॉज फिल आउट द टैक्स फॉर्म्स, ये उनके लिए टैक्स फॉर्म्स को फिल करते हैं फॉर देयर क्लाइंट्स एंड हेल्प देम अरेंज देयर अफेयर्स इन अ वे दैट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ द टैक्स ओल्ड, ठीक है, या टैक्स पेबल की जो अमाउंट होती है उसको हेल्प आउट करते हैं कि वो कम से कम हो सके, यानी कि कम टैक्स उनको जो वो है वो पे करना पड़े। अब एक यहाँ पे टर्म यूज़ होती है मार्जिनल वर्सेस एवरेज टैक्स रेट्स। अब हमें ये समझना है कि मार्जिनल टैक्स क्या होता है, टैक्स रेट्स क्या होते हैं और एवरेज टैक्स रेट्स क्या होते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम एफिशिएंसी और इक्विटी की बात करते हैं टैक्सेस में, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्सेस में, तो वहाँ पे इकोनॉमिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि हमें पता होना चाहिए मार्जिनल टैक्स रेट क्या है और एवरेज टैक्स रेट क्या है। सो व्हेन डिस्कसिंग द एफिशिएंसी एंड इक्विटी ऑफ इनकम टैक्सेस, इकोनॉमिस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू नोशंस ऑफ द टैक्स रेट, नंबर वन इज़ द एवरेज एंड द नंबर टू इज़ मार्जिनल। ठीक है, एवरेज टैक्स रेट क्या है, टोटल टैक्सेस पेड डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, और टोटल टैक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल इनकम इज नोन एज एवरेज टैक्स रेट। अब हमने बात करनी है मार्जिनल टैक्स रेट क्या है। अब जो एडिशनल इनकम होगी, एडिशनल यूनिट ऑफ इनकम आप लोग अर्न करेंगे, अब ज़्यादा इनकम अगर आपकी बढ़ रही है, इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो उस इनकम के इंक्रीज़ होने के ऊपर जो एक्स्ट्रा यूनिट इनकम के इंक्रीज़ हुए हैं उसके ऊपर जो हम एक्स्ट्रा टैक्स पे करेंगे उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल टैक्स रेट। मार्जिनल टैक्स रेट क्या है, द एक्स्ट्रा टैक्सेस पेड ऑन एन एडिशनल डॉलर ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा इनकम, एडिशनल इनकम जो आप लोग अर्न करते हो उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्सेस फिर आपको पे करने पड़ते हैं उसको आप लोग कहते हो मार्जिनल टैक्स रेट, यानी कि जितने मार्जिन से आपकी इनकम बढ़ी उसके अकॉर्डिंगली आपको उस बढ़ी हुई इनकम के ऊपर कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है उसको आप लोग कहते हो मार्जिनल टैक्स रेट। ठीक है, अब इसके अलावा एक और टर्म यूज़ होती है लमसम टैक्स। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज कर देती है $10,000 ईच पर्सन, हर बंदे ने सालाना जो है फॉर एग्जाम्पल $10,000 टैक्स पे करना है सब ने, तो ये क्या है लमसम टैक्स जो सबके ऊपर यकसां लागू होता है। सपोज दैट द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ टैक्स ऑफ $4,000 ऑन एवरी वन, दैट इज़ एवरी वन बी ओब्लीग द सेम अमाउंट। ठीक है, हर कोई हर किसी पर लाजिम आता है कि वो ये अमाउंट जो है टैक्स की वो पे करे। गवर्नमेंट ने कितने टैक्स इम्पोज किया, $4,000 फॉर एग्जाम्पल सब पे टैक्स इम्पोज किया। अब रिगार्डलेस ऑफ अर्निंग्स और एनी अदर एक्शन दैट अ पर्सन माइट टेक, अब ये उनकी इनकम या अर्निंग से रिगार्डलेस है, वो कितनी कमाई कर रहे हैं कितनी कमाई नहीं कर रहे इससे कोई लेना देना नहीं है, सब ने $4,000 टैक्स पे करना ही करना है। सो इस टैक्स को हम लोग क्या कहते हैं, लम सम टैक्स। सो लम सम टैक्स इज़ अ टैक्स दैट इज़ सेम अमाउंट फॉर एवरीवन, जो कि सबके लिए सेम अमाउंट होता है उसको हम लोग कहते हैं लम सम टैक्स, जो सब ने एक जितना ही पे करना होता है वो क्या होता है लम सम टैक्स। सो अब हम बात करेंगे टैक्सेस एंड इक्विटी की। इक्विटी होती है फेयरनेस, बराबरी, सबके साथ बराबर का सलूक करना, फेयर सलूक करना, अच्छा सलूक करना सबके साथ, उसको हम लोग क्या कहते हैं इक्विटी। सो इन दिस सेक्शन वी कंसिडर द इक्विटी ऑफ आर टैक्स सिस्टम, अब इस सेक्शन में हम लोग टैक्स सिस्टम की इक्विटी के ऊपर बात करेंगे। पहले हमने बात की एफिशिएंसी की, अब जब हम इक्विटी की बात कर रहे हैं तो हम फेयरनेस की बात कर रहे हैं, कितना हमारा सिस्टम फेयर है, ठीक है, कितना इंसाफ किया जा रहा है हमारे सिस्टम में। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, हाउ शुड द बर्डन ऑफ टैक्सेस बी डिवाइडेड अमंग द पॉपुलेशन, किस तरह से हम टैक्सेस का बर्डन जो है वो लोगों के ऊपर डालें, पॉपुलेशन के ऊपर डालें कि वो क्या हो, वो फेयर हो, उसमें इक्विटी आए, फेयरनेस आए।
और हमें किस तरह से पता चले कि टैक्स सिस्टम जो है वो फेयर है। सबसे पहले तो बर्डन किस तरह से हम लोग जो है वो डिवाइड करें पॉपुलेशन पे कि वो फेयर हो, फिर हम किस तरह से इसको कैलकुलेट करें कि क्या टैक्स सिस्टम फेयर है, हमारा अच्छा है, उसमें इक्विटी है। एंड एवरीवन एग्रीज दैट द टैक्स सिस्टम शुड बी फेयर, बट देयर इज मच डिसएग्रीमेंट अबाउट व्हाट इक्विटी मीन्स एंड हाउ द इक्विटी ऑफ द सिस्टम कैन बी जज्ड। अब हर कोई इस बात से तो एग्री करता है कि टैक्स सिस्टम को फेयर होना चाहिए, लेकिन किस तरह से टैक्स सिस्टम की जो इक्विटी है उसको जो है जज किया जाए और किस तरह से इक्विटी का जो है वो मीनिंग लिया जाए, इसके ऊपर काफ़ी डिसएग्रीमेंट देखने में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इस तरह से टैक्स सिस्टम इम्पोज किया जाए तो ये फेयर है, तब इक्विटी है। कुछ लोग कहते हैं कि टैक्स सिस्टम को अगर इस तरीके से जज किया जाए तो तब ये फेयर होगा। मीन हर किसी के अपने व्यूज़ हैं। सो बेसिकली टैक्सेशन इक्विटी या टैक्सेस में इक्विटी होने का क्या मतलब है कि टैक्सेस शुड बी फेयर, ये एक प्रिंसिपल है जिसका मतलब ये है कि टैक्सेस शुड बी फेयर, टैक्सेस फेयर होने चाहिए। मींस टैक्सेशन इक्विटी इज द प्रिंसिपल, ये एक असूल है जिसका के मतलब क्या है, जो कि क्या कहता है कि टैक्सेस शुड बी फेयर, टैक्सेस फेयर होने चाहिए। सो बेसिकली इक्विटी ऑफ टैक्स सिस्टम क्या कहती है, इक्विटी ऑफ टैक्स सिस्टम ये कहती है कि बर्डन जो है टैक्स सिस्टम का, जो पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है हाउ शुड द बर्डन, मींस कि बर्डन जो है टैक्स सिस्टम का वो किस तरह से पॉपुलेशन के ऊपर डिवाइड किया जाए कि वो फेयर हो सबके लिए, मीन डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली, तो तब क्या होगा, सिस्टम जो है टैक्सेशन का वो इक्विटी में आएगा। द इक्विटी ऑफ अ टैक्स सिस्टम कंसर्न्स वेदर द टैक्स बर्डन इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमंग द पॉपुलेशन। बेसिकली हम लोग इक्विटी में, टैक्सेशन की इक्विटी में क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि जो बर्डन है टैक्सेशन का वो डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड हुआ हुआ है फेयरली अमंग द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है हमारी उसके बीच में, उसके अंदर जो हमारा टैक्स है उसको फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है या नहीं, ये हम देखते हैं टैक्सेशन एंड इक्विटी में, या टैक्सेशन इक्विटी। टैक्सेशन इक्विटी क्या है, ये एक प्रिंसिपल है जो कि ये कहता है कि टैक्सेस शुड बी फेयर, ठीक हो गया। अब टैक्स सिस्टम की इक्विटी जो है उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, वो कौन से तरीके हैं जिन तरीकों से इवेल्यूएट हम लोग कर सकते हैं इक्विटी ऑफ अ टैक्स सिस्टम। सबसे पहला तरीका क्या है, द बेनिफिट प्रिंसिपल। दो तरह के तरीके हैं जिनसे हम इक्विटी ऑफ सिस्टम को इवेल्यूएट या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें से पहला तरीका क्या है, द बेनिफिट प्रिंसिपल, एंड द सेकंड वन इज द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, एंड द फर्स्ट वन इज द बेनिफिट प्रिंसिपल। अब बेनिफिट प्रिंसिपल क्या है और वो क्या कहता है, अब बेनिफिट प्रिंसिपल ये कहता है कि वो लोग जो गवर्नमेंट से ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं वो गवर्नमेंट को टैक्सेस भी ज़्यादा पे करें, ठीक है, जो ज़्यादा बेनिफिट्स लेते हैं वो ज़्यादा टैक्स पे करें, जो कम बेनिफिट ले रहे हैं गवर्नमेंट से वो कम टैक्स पे करें। सो द बेनिफिट प्रिंसिपल व्हाट डज इट से, इसका क्या मतलब है, बेनिफिट प्रिंसिपल इज द आइडिया दैट पीपल शुड पे टैक्सेस बेस्ड ऑन द बेनिफिट्स दे रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज, द मोर बेनिफिट दे रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट द मोर टैक्स दे विल पे। ज़्यादा बेनिफिट लेंगे गवर्नमेंट से तो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, और टैक्स का जो ये इवेल्यूएट करने का सिस्टम है, इक्विटी को इवेल्यूएट करने का सिस्टम, ये बेनिफिट प्रिंसिपल कहलाता है। और इसमें आइडिया क्या है, ये कहता क्या है कि लोगों को टैक्सेस जो हैं वो इस बेस पे करने चाहिए जो जितने ज़्यादा बेनिफिट गवर्नमेंट से ले रहा है, जो जितने ज़्यादा गवर्नमेंट से बेनिफिट ले रहा है उसको उतना ज़्यादा टैक्स पे करना चाहिए, ठीक है, ये कहता है बेनिफिट प्रिंसिपल। इससे नाम से भी जाहिर हो रहा है कि बेनिफिट पे ये डिपेंड कर रहा है, जो बेनिफिट ज़्यादा लेगा गवर्नमेंट से वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा। अब सेकंड जो है तरीका जिससे हम इवेल्यूएट कर सकते हैं इक्विटी ऑफ टैक्स सिस्टम, वो क्या है, द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। अब ये कहता है कि ये टैक्स जो है उसके ऊपर इम्पोज किया जाए जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो टैक्स पे कर सके,
जिसके अंदर जितनी ज़्यादा एबिलिटी है, ठीक है, जो जितना ज़्यादा स्ट्रांग है उसके अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए, तो वो वाला टैक्स क्या कहलाता है, वो वाला प्रिंसिपल क्या कहलाता है, वो है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। अनदर वे टू इवेल्यूएट और कैलकुलेट द इक्विटी ऑफ अ टैक्स सिस्टम इज कॉल्ड द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, विच स्टेट्स दैट द टैक्सेस शुड बी लेविड ऑन अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हाउ वेल दैट पर्सन कैन बियर एंड शोल्डर द बर्डन। कितने अच्छे तरीके से वो टैक्स का बर्डन जो है वो बियर कर सकता है। अगर एक गरीब के ऊपर आप ज़्यादा टैक्स डाल दो तो वो ये टैक्स बर्डन बियर नहीं कर सकता। अभी हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम सबको ये समझ रही है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल के वी आर वेरी वेल ऑफ, ठीक है, नेशन एंड वी कैन बियर द बर्डन ऑफ द टैक्स, दैट्स व्हाई हम पे इतने ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारी क्या है, रियल लाइफ की एग्जाम्पल है विच इज़ नॉट दैट वेल मैनेज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हाउ वेल दैट पर्सन कैन, कितने अच्छे तरीके से वो पर्सन जो है वो बियर कर सकता है या शोल्डर कर सकता है बर्डन को। कौन सा बर्डन? वो बर्डन जो टैक्स की वजह से हम पे डाला जाता है या टैक्स बर्डन। ठीक है, जो जितने अच्छे तरीके से बैलेंस कर सकता है, बियर कर सकता है, उसके ऊपर उतना ज़्यादा टैक्स डाला जाएगा। जो बेचारा टैक्स सह नहीं सकता, जिसमें टैक्स सहने की सकत नहीं है, उसके ऊपर टैक्स उसी लिहाज से कम डाला जाएगा। अब एबिलिटी टू पे टैक्सेस में अब दो तरह की इक्विटीज आती हैं, एक वर्टिकल इक्विटी है और एक हॉरिजॉन्टल इक्विटी, जिसकी डिफरेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है, डिफरेंट कैलकुलेशन है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्टिकल इक्विटी। वर्टिकल इक्विटी क्या है? वर्टिकल इक्विटी इज द आइडिया दैट टैक्स पेयर्स विद अ ग्रेटर एबिलिटी टू पे टैक्सेस शुड पे लार्जर अमाउंट्स। जिनके अंदर ग्रेटर एबिलिटी है, ग्रेटर कैपेसिटी है, जो कि टैक्स ज़्यादा पे कर सकते हैं, वो ही ज़्यादा टैक्स पे करें, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकल इक्विटी। ठीक है, जिनके अंदर ज़्यादा एबिलिटी है, क्योंकि हम लोग एबिलिटी प्रिंसिपल को रीड कर रहे हैं, तो जिसके अंदर ज़्यादा एबिलिटी होगी वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा, और इसको हम लोग क्या कह देंगे, वर्टिकल इक्विटी। अब एक चीज़ है हॉरिजॉन्टल इक्विटी। अब हॉरिजॉन्टल इक्विटी हमें ये कहती है कि वो वाले टैक्स पेयर जिनकी एक जितनी एबिलिटी है टू पे टैक्सेस शुड पे सेम अमाउंट ऑफ टैक्सेस। जिनकी एक जितनी एबिलिटी है, जो कि एक जितना बर्डन बर्दाश्त कर सकते हैं, या जिनके एक जितने पैसे हैं, एक जितनी इनकम है, वो एक जितना ही टैक्स पे करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो है वो 50,000 सैलरी पर मंथ है, ठीक है, कुछ लोगों की 50 लोगों की फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज 50 लोगों की 50,000 सैलरी पर मंथ है, तो वो उस 50,000 पे अगर जितनी फॉर एग्जांपल मैं सैलरी का टैक्स पे कर रही हूँ, उतना ही बाकी 49 लोग भी पे करेंगे, क्योंकि हम सबकी इनकम सेम है। ठीक है, हम सबकी इनकम सेम है, तो हम सबको टैक्स भी सेम पे करना चाहिए। ये क्या कहती है, ये हॉरिजॉन्टल इक्विटी कहती है। क्या कहती है हॉरिजॉन्टल इक्विटी? इज द आइडिया दैट टैक्स पेयर विद द सिमिलर एबिलिटीज, जिनकी सिमिलर एबिलिटीज है टू पे टैक्सेस शुड पे सेम अमाउंट। जिनकी ग्रेटर एबिलिटी है वो ग्रेटर टैक्स पे करेंगे, ये वर्टिकल इक्विटी है। जिनकी सेम एबिलिटीज हैं वो सेम टैक्स पे करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल इक्विटी का कॉन्सेप्ट है जिसमें ये आता है। ठीक है, अब टैक्सेस एंड इक्विटी में एक और चीज़ आती है, टैक्स स्ट्रक्चर्स या टैक्स सिस्टम्स।